वो टिप्स दे रहा हूं, एक ही टिप्स देता हूं जिसका मैं आपको थोड़ी सी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसका बुनियादी मकसद जो है ये आज की जनरेशन को ना ये दुनिया में कहीं भी चले जाए इससे आगे नहीं जा सकेंगे। मेरे पास जो अल्लाह पाक ने मुझे एनर्जी दी है, जो मुझे सोच दी है, मुझे लगता है कि वो उसका खास कर दीन में कह लो, दुनिया में कह लो, रिश्तों में कह लो, अगर मैंने उस सोच से जिया हूं, उस आप भी बैठे हो और मेरी बहनें भी बैठी हैं और यूके से हैं, तो अगर इनके दिल में है औरत का जो सेंसिटिव है ना सिस्टम, जो सेंसर फीलिंग है उसकी आंखों से या उसके दिल से, वो बड़ा अल्लाह पाक ने मजबूत रखा हो। तो अगर बहन बेटी आपको पसंद करे तो रब पसंद करे। तो मैं अपनी बहन के लिए भी बता रहा हूं कि मेरे लिए पहले मैं समझता था कि आपके पास, आपके बाबा के पास एसेट्स हो, पैसे हो, या उनके पास जगह हो, या उनके पास कोई ऐसा तारुफ हो जो पावर रखता हो और मुझे पैसे जनरेट करने में हेल्प करे। अब ये सारे घर हो गए मुकम्मल, मैं ये समझता था। लेकिन एक मेरी मां मेरी तरबियत कर रही थी और जो कुरान पाक को उर्दू में पढ़ने से रोक रही थी, स्वाब के लिए नहीं थी वो उस फला के रास्ते की कीज थी ना, सीख थी कि एज अ ह्यूमन ना मुझे लैंड पे ना अपनी जिंदगी में सबसे आसान तरीका कौन सा है इसको सफर को मुकम्मल करने का, वो पिंजरे में रहने का ना, वो जो टाइम पास है ना कि आपका पिंजरे के साथ टच हो गए ना पर तो ये जल जाएंगे, तो जब पंछी उड़ेगा ना तो जिसके जले होंगे ना वो गिर जाएगा, अब देख रहे कौन उड़ के जाता है। तो ये हकीकत है, ये मुझे नहीं पहले पता, अभी बोला तो अभी है। तो मुझे बाद में पता चला जब मैं ना हजारों में कमाता था तो तब भी सोचता था, लाखों में तब भी सोचता था, करोड़ों में आया ना तो तब भी यही सोचता था कि पैसों से जनरेट होता है, लेकिन नहीं है। ये खुरम गुजर बनना मुश्किल था। ये कैसे बना? ये ऐसे बना कि बचपन में एक अपने क्लास फेलो को, जिस बच्चे ने 1,00,000 रुपया कभी कैश नहीं देखा और उसके उसको कहीं से कोई अमानत मिलती है जो 1 करोड़ के करीब वैल्यू रखती है, वो कैश भी है, वो डायमंड भी है, वो ज्वेलरी भी है, तो वो उसको खोले बैग को बगैर उस दोस्त को लुटाता जा रहा, ये अब करेक्टर बन रहा है। और इसी तरह वो सच्चाई में ये हुआ कि उसने बहुत सारे रिश्ते खो दिए, बहुत सारा रिजक खो दिया, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। और हसद ये हुई कि जिसको देखा उसके लिए दुआ की, चूंकि देख चुका था कि लोग लोगों के दुश्मन हुए हुए, तो फिर मैं क्या करता था कि यकीनन इसके भी दुश्मन होंगे, अल्लाह पाक इसको माशाल्लाह कह देता था, कोई गाड़ी थी, कोई मोटरसाइकिल थी, कोई भी औरत की बहुत इज्जत करता था, ऐसे लगता था जैसे मैं उसकी सेफ्टी के लिए पैदा हुआ, वो वालदा के साथ टाइम स्पेंड हो रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ चलते चलते मैंने वो देखा कि जो मजदूरी मेरी थी ना, मजदूरी ओरिजिनल, वो जो पसीने की मजदूरी होती है यार, उसकी भी रोटी खा लेते हैं ये लोग, कि ये 2000 घर लेके जा रहा है ना, तो ये बाबा के साथी जो होते हैं ना दोस्त, जो खुदा के खुदा कहलाते हैं, तो ये बाप के दोस्त उसके आइडियल होते हैं ना, इसका मतलब तेरे बाप से ज्यादा अच्छा हुआ, तो वो तो कोई करेक्टर होना चाहिए ना यार, उसको पता चला है कि तूने 2000 रुपया 1000 रुपया कमाया, उसने 500 रुपया रोटी के बहाने तुझसे खा लिया है, तो मैं कमिटमेंट करता रहा अल्लाह पाक से। ये सब खून के रिश्तों में भी मिला मुझे, ये गली के उस चुराहे पे बुरा नहीं बैठ के कभी दीन बताता था सीधा रास्ता, ये उसकी शक्ल में भी मिला, खाली था मैं वो जगह पर ऐसे जैसे बरसों हो गए वहां, कभी दीन का किसी ने सोचा भी नहीं, बड़ा दुख हुआ मुझे। लेकिन मैं अल्लाह पाक को सोचता था कितना मजलूम मैं था, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता 24 आवर, सोता जागता, नींद भी तभी आती थी पढ़ते पढ़ते, और कोई एक राहत ऐसी नहीं कि मैं अपनी मां को सुला के ना सुला, मां की फालत है ना विषय।
तो ये हुआ कि अब मैं जब छुट्टी पे गया हुआ था 5 साल की, आई वॉज ऑन हॉलीडेज टू बी ऑनेस्ट, मम्मी के पास बैठ के 16 में मैंने छुट्टी ली थी, 1500 5 साल की छुट्टी ली थी। तो 1 जनवरी 2022 मैंने दो नफल अदा किए और अल्लाह सुबहान तआला को लाइफ टाइम अपना पार्टनर किया 50%, और कमिटमेंट किया कि अगर कहीं दिख गया तो सारा तेरे जो ऑलरेडी दे रहे, इतना थोड़ा सा मैं तंदुरुस्त हूं मैं। तो फिर मैंने उसको चेक किया और उसकी विटनेस रखी 500, इधर बैठे 150 जो मिले उनको ये कर लिया कर लिया कर लिया, पार्टनर रख लिया। इसलिए कि लगभग मैं सुना कि तेरी पार्टनरशिप में किसी को नुकसान नहीं हुआ, और अगर 1 साल ना हुआ मनो पार्टनर बदल लें, मैं पार्टनरशिप नहीं करनी फिर। यस, और वो मैंने जानता था मैंने नहीं करनी थी, इसलिए कि मैं अपने लिए नहीं निकला ना, अब मैं उसकी रजा के लिए निकला। और यहां भी मैं उसकी रजा लू, वहां से भी वो भेजे तो ये तो गलत है ना यार, मां भी मना के भेजी राजी भेजी, उनकी जो सोच थी ना वो ही सोच रहा हमेशा हमेशा, अपनी वालदा के भी फैसले जो जानता था उन्हीं को रोना पड़ेगा उसके। तो मैं नहर पर ड्राइव करता होता था और खूब अल्लाह के हाल होता था, पूरी नहर के अकेला ही ऐसे चक्कर लगा देता, खूब रोता था मैं, तभी उनको मां बना बैठा था। तो वो फिर ये हुआ कि मुझे जनवरी के बाद ये हुआ कि मैंने जो पिछले 10 साल में नहीं कमाया होगा वो भी मैंने एक एक दिन में कमाया, ना मिले मेरे को मिलिंदर जान, मैं उमदा हूं, मेरी आखिरी सांस भी होगी ना तो ये यतीम बच्चों के लिए होगी। मैं इस पता नहीं मेरा ये कल हो ना हो, कल हो ना हो, रहने तो यार भी एक मिनट वेट करो, पता भी है यार, अभी भाई ने निकल चाबी दे दो यार, वहां से डिलीट कर लेगा बंद कर दे दरवाजा, मेरी जान नहीं का मेंटली डिसेबल, मेरे को कोई तंदुरुस्त मुंडा क्यों नहीं है, एक भी नहीं का हजारा ने। तो मैं इशारे से भेजा हूं मुहरिक, इनको मैं जानता हूं तरबियत देता हूं, सख्त नहीं हूं मैं, बोलना मैं मानू, लेकिन यार मैं इनको खराब नहीं करना चाहता, जलील हो जाएंगे इस दुनिया में ये लोग, बेकार हो जाएंगे, वजन होगी इस पे। तो मैंने क्या किया कि पता चला कि खुरम गुज्जर बनना मुश्किल था, वो एक कैरेक्टर का नाम है, पैसे होना काम कोई नहीं सी, इनमें से कोई एक डील नहीं जिसके लिए मुझे पे करना पड़ा हो, फोन भी किया फोन भी बिक गया, दैट्स इट। सो मैं इंशाल्लाह इसको जारी और सारी रखूंगा, और ये वीडियो गुआ रहेगी मुझे इज्जत दिलाने के लिए या बेइज्जत करने के लिए। अच्छा, इज्जत।